1791 में लंदन की एक गंदी सी झुग्गी बस्ती में माइकल फैराडे का जन्म हुआ। वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। कोई एक शब्द बताओ जो आर अक्षर से शुरू होता हो। बोलो। रैबिट। सही शब्द है रैबिट। एक बार फिर बोलो सही तरीके से। रैबिट। मेरा मजाक बना रहे हो क्या? मैंने तुम्हें आर अक्षर बोलना नहीं सिखाया है? कम से कम अपना नाम तो बोल सकते हो ना? माइकल फैराडे मैम। लो ये पैसे और एक छड़ी खरीद कर लाओ। मैं तुम्हारे गुस्ताख भाई की ढंग से धुनाई करना चाहती हूँ। कहते हैं उस दिन के बाद माइकल फैराडे कभी दोबारा स्कूल नहीं गए। फैराडे अपने रूढ़िवादी क्रिश्चियन परिवार की परंपराओं को बहुत मानते थे। इससे उन्हें हमेशा एक ताकत, सुकून और विनम्रता का एहसास होता था। 13 साल की उम्र में वो किताबें जिल्द करने वाले कारखाने में काम करने लगे। दिन में वो किताबों पर जिल्द चढ़ाते और रात में उन्हें पढ़ते। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उनके जुनून की शुरुआत हुई। कई सालों तक बुक बाइंडिंग का काम करने के बाद 21 साल के हो चुके फैराडे एक बड़ी दुनिया में पहुंचने का ख्वाब देखने लगे। वो मौका उन्हें तब मिला जब एक कस्टमर ने उन्हें एक नए तरह के एंटरटेनमेंट शो का टिकट दिया, साइंस फॉर द पब्लिक।